दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं सासाराम प्रखंड के अमरी पंचायत के आदमापुर गांव में है। यहां हमारी मुलाकात हो रही है। बजरंगी जी हैं, वो पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नॉमिनेशन किया है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पंचायत में कितने गांव आते हैं और वोटर कितने हैं और क्या स्थिति है इस बार रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बाबा दर्शन के पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। साथ ही हमारे पैक्स के जितने भी मतदातागण हैं, पैक्स के जनता भी हैं, सासाराम नगर निगम सासाराम 04 अमरी पैक्स में हम लोग आते हैं और यहां के मतदाता को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। आपके पंचायत में कितने गाँव? मेरे पंचायत में अमरी आता है, दुर्गापुर आता है, नीमा आता है, कर्मा आता है, सुखारी टोला आता है, बसंतपुर आता है, बसंतपुर टोला आता है, आदमापुर टोला आता है, बढ़िया बाग आता है। यही हमारे गांव का पंचायत है। 2019 में कोई परिवार से लड़ा था? बिल्कुल, 2019 में चुनाव लड़े थे। 2009 से लेकर 2019 तक हमारे बड़े भाई सिरादे श्याम सिंह पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 के बीच में, 19 से लेकर अभी तक दूसरा कोई भी अध्यक्ष आदरणीय लालदेव सिंह जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद पुनः फिर जनता के जोरों शोरों से और जनता की आवाज़ से, जनता के बुलंदों को देखते हुए मैंने फिर अपना नॉमिनेशन किया है। एक बार मुखिया भी तो रह चुके हैं? बड़े दो बार मुखिया रह चुके हैं, एक बार मेरी पत्नी रह चुकी है और एक बार मेरे बड़े भाई आदरणीय राधेश्याम जी भी रह चुके हैं। क्या रणनीति है पंचायत? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है। यहाँ जो भी रणनीति है जनता के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पंचायत के मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करता है और पंचायत के मतदाता जो भी हमारे पंचायत के मतदाता है वो मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं आपके खिलाफ, उन लोगों के कुछ मतलब ऐसा लगता है कि उन लोग थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसा कर? बिल्कुल, वो लोग डरे हुए हैं, अनाप शनाप पंचायत में बोलते चलते हैं, किसी को दबाते हैं, सताते हैं, धन बल छल कपट सब लोगों के पास है और वो उसे उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी जनता से लड़ाई है। जनता हमको चुन रही है, जनता हमको लड़ रही है। अरे, चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी जनता लड़ रही है, हमारे मतदाता लड़ रहे हैं। इसलिए कि ब्लॉक पर भी कुछ दो दिन पहले ऐसा कुछ बिल्कुल हुआ था, मैंने देखा नहीं था लेकिन हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ हमारे पंचायत में जो नॉमिनेशन करने जा रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जो कि सही नहीं है, वो कल बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे अपने पंचायत? देखिए, चुनाव लड़ने की सबको आज़ादी है, चुनाव तो सब कोई लड़ सकता है, हमारे पंचायत के जितने भी मतदाता हैं कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव में बाधा किसी के साथ कोई नहीं करना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए सब कोई स्वतंत्र है, सब कोई चुनाव लड़ सकता है, इससे बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, मतदाताओं के बीच में मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। ये बजरंगी जी थे, इनका साफ साफ कहना है कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन चुनाव लड़ने के वक्त इतना एहतियात ज़रूर बरतना है कि कोई तरह का असामाजिक तत्व तो किसी को परेशान ना करे। मतदाता है, अपना मत करेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।